सर, हेलो सर, सर आपका माइक ऑफ है शायद। सर आपका माइक ऑफिस है। सर माइक ऑफ है सर, आप एक बार ऑन कर लीजिए। सर आवाज नहीं आ रहे। आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, जी आ रहे सर। सर हाँ ठीक है, बताइए फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, किया या नहीं किया? हाँ सर, मैं मेरे को लगा क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ सर, आप बोले। सर वो तो ये क्वेश्चन सामने है, तो ये क्वेश्चन पेंटिंग मैं पूछना के लिए बना था, तो पेंटिंग कर लेते पेंटिंग हाँ क्या। हाँ बोलो। सर, कॉट इनवर्स को नहीं क्या? क्वेश्चन तो सामने था ना, तो कर हाँ, तो सर कॉपी कर लिया, मतलब कॉट वो कॉट इनवर्स। जो हाँ उसको क्या कॉट कॉस बाई बोलो कॉट साइन इनवर्स जो है। कॉस इनवर्स बाई साइन इनवर्स नहीं भी कर? इनवर्स, इनवर्स में ऐसा कुछ है क्या बाई करने का, थीटा में क्या बाई करना, वो कॉट का इनवर्स है, वो एंगल है, उसमें क्या करोगे कॉट इनवर्स को। आप कॉट इनवर्स एक्स को ये लिख सकते हो, टेन इनवर्स 1/x, आप लिख सकते हो साइन इनवर्स इसका पी 1 हो जाएगा, 1+x2, ये लिख सकते हो। मैंने जो तरीका बताया आपको वैसे ही करना है, चेंज में मत किया करो, जो मैं बताया उसको वर्क करो ना, फिर सीखने का क्या फायदा। अब मेरा मेथड सीखो, अपना मेथड में पहले से पता था, उसके बाद देखो क्या तुम यूज करना। सो टेन इनवर्स 1 इज π/4, सिंपल क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। एंड कॉट इनवर्स माइनस हाफ, फिर से हमने यही आ गया, कॉट माइनस हाफ, कॉट थीटा माइनस हाफ किस थीटा पे होता है, कॉस थीटा माइनस हाफ किस थीटा पे होता है। अरे ये तो आपको पता ही नहीं है, हाँ सर, इसलिए आप फंस रहे हो शायद, इसीलिए इसलिए फंस सर रहे हो। अच्छा तो साइन इनवर्स माइनस हाफ तो पता है ना, हाँ, कॉट इनवर्स माइनस हाफ, कॉट तो माइनस हाफ कभी नहीं होता। नहीं 2π/3 का मतलब क्या होता है, कॉट 2π/3 का क्या मतलब होता है, कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री, और कॉट पाई माइनस पाई बाई थ्री का मतलब माइनस कॉट पाई बाई थ्री, माइनस कॉट पाई बाई थ्री का क्या मतलब है, माइनस कॉट पाई बाई थ्री का क्या मतलब है, टेन पाई बाई वन थ्री होता है √3, 1/√3, माइनस 1/√3। तो अगर यहाँ माइनस 1/√3 किया जाए तब आप कर सकते हो, यही है एक्चुअली में वो मिस प्रिंट ही है।
वहां भी सॉल्यूशन में यही लिखा हुआ है माइनस 2π/3, तो इसका सीधा आ गया 2π/3 आंसर। फिर तो और यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस हाफ हो गया माइनस π/6, तो 2π/3 माइनस π/6 कितना हो जाएगा 4π/6 माइनस π/6 3π/6 और यहाँ पे π/4। सो नाउ दिस इज 12, 4 3 12 3π, 6 2 12 6π, 9π/12। सो 3 3 3 4 3π/4। संगीत का प्रॉब्लम था क्या? नहीं, आपके मॉड्यूल का है। अच्छा, नेक्स्ट इसको सॉल्व कीजिए। टैन कॉस इनवर्स जो मैंने कल बताया उसको रिवाइज तो कर ले थोड़ा, फिर आगे बढ़ेंगे ना। जल्दी जल्दी करो। इनवर्स में सर कॉस क्या है? मैंने क्वेश्चन दिया तो आप लोग कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। tan cos inverse is equal to this after this what we have इतना मुश्किल है क्या? कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ पे एक्स की वैल्यू चाहिए तो कैसे मुश्किल है देखिए जरा। कॉस इनवर्स एक्स है और यहाँ पे साइन है, ओके। यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू सीधा आ जाएगी और यहाँ पे भी आ जाएगी। अच्छा सर, ये जो है इसमें टैन को तो साइन बाई कॉस लिख ही सकते हैं। हाँ, साइन बाय साइन कॉस इनवर्स एक्स बाय कॉस इनवर्स एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। बट इतना क्यों कर रहे हो यार, तुम तो मेरे मेथड को समझे ही नहीं। यहाँ पे कॉट इनवर्स हाफ को आप थीटा मान लीजिए। हाँ, उससे तो सर साइन थीटा का वैल्यू मतलब बाय रूट फाइव आ रहा है। कॉट थीटा हाफ है, मुझे यहाँ पे चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया बी बाई पी, b by p 2π/5। हाँ, 2π/5। तो राइट साइड में है 2π/5 और लेफ्ट साइड में है बड़ा सिंपल tan ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वन है। तो इसका p कितना है? 1 है। और b कितना है? एक सेकेंड, ये है b बाई h, h 1 है यहाँ पे ना, h 1 है। तो इसका p हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट and b is x itself. सर x तो कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है क्या? हाँ तो होने दो ना, कहाँ मैं मना कर रहा हूँ। ये आपने कैसे चेंज किया? आपको इसमें भी मेरा तरीका देखना है तो ऐसे देखो, cos इनवर्स x को आप बीटा मानो तो tan बीटा निकालना है आपको, जबकि आपको cos बीटा पता है। cos बीटा की वैल्यू x है तो tan बीटा चाहिए। देखो, इसको बीटा मानोगे तो आपको टेन बीटा ही चाहिए ना। तो टेन बीटा कितना हो जाएगा? व्हेन कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स, टेन बीटा इज इक्वल टू ये हो गया बी, ये हो गया एच। तो पी कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी एक्स। तो यही मैंने लिखा था, टेन बीटा की वैल्यू यानी कि ये टोटल ओवरऑल यहाँ पे फाइनल वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट बाई एक्स।
एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाई रूट 5। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, 4 बाई 5। अब यहां से -5x² 4x² 9x² आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5। सो x² इज 5/9, सो x इज इक्वल टू √5/3±। यही फाइंड करना था, हो गया। देखो कोई तकलीफ है तो बताइए। चलिए अब इसके बाद जो बड़ी तकलीफ आएगी उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चलिए तो एक फंक्शन हम लोग कर रहे थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टैन इनवर्स टैन एक्स। क्या है ये? टैन इनवर्स टैन एक्स। इसको कैसे डील करें? तो पहले इस फंक्शन के हम लोग डोमेन को, रेंज को, इनको बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये एक फंक्शन है, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x। इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसकी बात कीजिए पहले। बताइए डोमेन क्या होगा इसका? सो डोमेन वही होगा इस फंक्शन का जो tan x का डोमेन होता है, और tan x का डोमेन कितना होता है? रियल नंबर। तो ये भी ग्राफ रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा। जो हमने पिछली बार देखा था tan ऑफ tan इनवर्स x, बड़े आसानी से हम लोग यहां से निकल गए और एक छोटा सा ग्राफ बना दिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये 1 से 1 -1 के बीच रह गया, इतनी दूर तक बस। ये छोटा छोटा ग्राफ हो गया। अब ये पूरा रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा, नॉट ओनली टैन इनवर्स टैन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एवरीथिंग। क्योंकि जब हम यहां लिखेंगे सबका डोमेन देख लेते हैं। ये टैन इनवर्स टैन एक्स है, अब देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसका डोमेन भी क्या होगा? कॉस एक्स में एक्स लगा हुआ है, तो कॉस एक्स के अंदर कौन सा एक्स आ सकता है? कोई भी एक्स आ सकता है, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ कितनी दूर तक होता है? जिंदगी भर होता है। हाँ, तो रियल नंबर है, तो यहाँ पे भी डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। फिर बात करो साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ भी एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, डोमेन रियल नंबर। फिर यहाँ पे बात करो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ने भी मना थोड़ी किया है, डोमेन कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक मिस्टेक हो रही है, टैन इनवर्स टैन एक्स में एक्स की वैल्यू पाई बाई टू तो नहीं होती ना, पाई बाई टू पे तो ब्रेक है, पाई बाई टू पे तो डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे आप पाई बाई टू माइनस कीजिए, और क्या माइनस करना पड़ेगा? ये फिर 3π/2, यानी कि देखो क्या माइनस करना पड़ रहा है, π/2, 3π/2, 5π/2 माइनस करना पड़ रहा है। क्या कॉमन है इन सब में? हम देख रहे हैं पाई बाई टू में 1 मल्टीप्लाइड है 3 मल्टीप्लाइड है 5 मल्टीप्लाइड है, मतलब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल माइनस करना पड़ रहा है आपको। तो आप यहां से पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल माइनस करने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n+1 या 2n-1 पाई बाई टू, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जितने भी पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल हैं दैट कैन नॉट बी टेकन इन दिस फंक्शन, डोमेन की वैल्यू में सारे रियल नंबर हो सकते हैं बट पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकता। टेन एक्स के लिए भी यही है, टेन इनवर्स टेन एक्स के लिए भी यही है, साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए वही डोमेन होगा जो साइन एक्स के लिए होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के लिए वही डोमेन होगा जो कोसेक एक्स के लिए होता है। तो यहाँ पे बात क्लियर है, तो हमने टेन इनवर्स टेन एक्स का डोमेन फाइंड कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इससे ये दोनों फंक्शन अलग है, ध्यान देना। हम कैसे याद कर लेंगे? यहाँ पे देखेंगे tan x है और यहाँ पे tan इनवर्स x है, सो इनवर्स x में x क्या हो सकता है और tan x में x क्या हो सकता है, कभी कभी वो दोनों सेम दिखेगा। जैसे हाँ, जैसे मैं ये लिख रहा था tan ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का ग्राफ तो आपको पता है ऐसा होता है,
इसमें x की वैल्यू तो कुछ भी होती है, रियल नंबर, तो यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर होता है, बट यहाँ पे x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस टू एन माइनस वन पाई बाई टू है, क्लियर है ना। तो और tan इनवर्स x की बात करो, tan इनवर्स x का क्या होता है डोमेन, यही होता है रियल नंबर, मतलब इसका और इसका डोमेन सेम है, मतलब जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन में अंदर ये आ जाए तो इसका डोमेन इसके बराबर होगा, मतलब एफ जी एक्स का क्या होगा, जो जी एक्स का डोमेन होगा, समझ लो इस बात को। कंपोजिट फंक्शन में ये मैंने शायद नहीं बताया था, एफ जी एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ जी एक्स, डोमेन ऑफ एफ जी एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स, अभी आप देख भी पा रहे हो, जैसे इसका डोमेन क्या है, जो टेन एक्स का डोमेन है, टेन एक्स का डोमेन भी क्या है, रियल नंबर माइनस टू एन माइनस वन पाई बाई टू। चलिए ये बात क्लियर हुई, डोमेन डोमेन में हमने काफी चर्चा कर लिया, अब रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स का रेंज क्या होगा देखते हैं, यहाँ पे इनवर्स लगा हुआ है और टेन एक्स के अंदर क्या आ रहा है, सोचो टेन एक्स के अंदर कोई भी रियल नंबर आ रहा है, टेन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी आ रहा है, तो tan इनवर्स का ग्राफ भी आपको पता है, यही तो है tan इनवर्स, tan इनवर्स का ग्राफ, ये इसका लिमिट क्या है, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच इतनी दूरी तो रहता है ये, इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बस यानी कि इसकी वैल्यू कभी भी इसके बाहर नहीं आएगी, नेवर, कभी नहीं, लेकिन x क्या पुट कर सकते हो, कुछ भी x आप कुछ ही पुट कर सकते हो, चाहो तो पाई पाई पुट कर दो, पाई पाई बाई फोर पुट कर दो, 15 16 पाई बाई टू पुट कर दो, 16 पाई बाई फोर पुट कर दो, मतलब इसको छोड़ के आप कुछ ही पुट कर सकते हो, तो रेंज भी क्लियर है, डोमेन भी क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का भी, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का भी देखेंगे, पहले एक एक करके करते हैं, तो अभी हमारे सामने है टेन इनवर्स टेन एक्स, इसका डोमेन पता है मेरे को और रेंज पता है, आपने नोट कर लिया होगा डोमेन एंड रेंज, अब इसको मैं वाई मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो नेक्स्ट लाइन क्या आप सब बोल नहीं सकते, टेन जैसे मैं बोलता हूं वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एम, तो हम क्या करते हैं टेन वाई इज इक्वल टू एम हो जाता है आसानी से, यहाँ पे टेन वाई क्या हो जाएगा टेन एक्स, टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, अब एक बात याद कीजिए, यहाँ पे अगर होता है टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन क्या होता है इसका, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, याद करो, और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो क्या होता है, याद करो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू दी एन अल्फा, याद है कि नहीं, हाँ सर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्लास 11th, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, कुछ भी याद है, हाँ सर टू एन, चलो कोई बात नहीं, अभी या फिर से आप उसको रिवाइज कर सकते हो, सो tan y इज इक्वल टू tan x में y क्या निकल के आ जाएगा, एन पाई प्लस x, सिर्फ प्लस होता है इसमें, tan और cot में सिर्फ प्लस होता है, कोस में ऐसा होता है, सेक में भी यही होता है, साइन में ये होता है, कोसेक में भी यही होता है, ठीक है, रिवीजन हो गया आपका, तो यहाँ पे हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे एन क्या होता है, एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर नॉट नेचुरल नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, अब इसके आगे और बढ़ते हैं, यानी कि वाई की वैल्यू, अब हम क्या सोच रहे थे, वहां पे तो वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया था, याद करो टेन ऑफ tan इनवर्स x, इसको y माने थे और y x हो गया था, कोई टेंशन ही नहीं था, y जो x लिखो y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे y x नहीं हुआ, आपको याद नहीं है tan इनवर्स tan x, आप x लिखते आ रहे होंगे अभी, लेकिन गलती से लिख देते होगे, एक बार इनवर्स है एक बार tan है तो x ही होगा, लेकिन यहाँ x नहीं है हमेशा, x सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, जब n की वैल्यू जीरो है, और अगर n की वैल्यू वन हुई तो ये हो जाएगा पाई प्लस एक्स, एन की वैल्यू माइनस वन हुई तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स, यानी कि ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं,
क्योंकि आपको डी इनफाइनाइट एक्स को भी तो कवर करना है, आप एक्स यहां से वहां तक जा रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट वाई होने ही चाहिए। एन टू हो तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई प्लस एक्स इफ एन इज इक्वल टू टू, और एन थ्री हो तो थ्री पाई प्लस एक्स, माइनस टू हो तो माइनस टू पाई प्लस एक्स, एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम इसके ग्राफ पे आएंगे। तो क्वेश्चन में मतलब जो दिया रहेगा तो फिर हम लोग एक्स नहीं ले लेंगे इसको, अभी आप बस इसको देखते जाइए, आप यू विल गेट सो मेनी थिंग्स। आप एकदम बेवकूफ बच्चे की तरह जो मैं बोलता रहा हूँ उसको बस दिमाग में अटकाते जाओ, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तब आपको मजा आएगा, फिर आपको इनवर्स का जो होता है ना थोड़ा सा वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये सारी आपको बात पता चल गई ऐसा होता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके और सबको रिलेट रिलेट कर पाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसका एक्स तो कुछ भी हो सकता है, चलिए तो एक है वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपने ही बोला है कि एक्स की जो वाई की वैल्यू है उसका रेंज डोमेन आपको याद है ना, वाई कैन नॉट बी बिलो माइनस पाई बाई टू एंड मोर देन पाई बाई टू, ये चीज भी तो फॉलो करनी है। एक्स आप रियल नंबर ले लो बट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू माइनस करो, ये सब फॉलो करके ही ग्राफ बना सकते हो आप। एक बार तो ब्रेक आएगा ही पाई बाई टू पे और माइनस पाई बाई टू पे, तो वाई जो एक्स आपने कर दिया, लेकिन जैसे ही अब यहाँ इसके आगे भी जाओगे तो ये पाई बाई टू से आगे हो जाएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। यानी वाई जो एक्स की वैल्यू आप तभी रख सकते हो जब एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हो, और कहीं रख के दिखा दो मेरे को। अगर आप इधर रखोगे यहां से लेके पाई बाई टू से आगे रखोगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स कैसे लिखोगे, इन दैट केस इट वुड बी मोर देन पाई बाई टू, सो दैट विल कॉन्फ्लिक्ट विद दिस, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, रख सकते हो जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हो, यानी कि सिर्फ यहां पे आप ये रख सकते हो क्योंकि आप पाई बाई टू से आगे नहीं आ सकते। अच्छा मतलब क्वेश्चन में फिर मेंशन, और पाई बाई मतलब वो पाई बाई टू से क्वेश्चन की बात क्यों कर रहे हो तुम यार अभी? हाँ मतलब वही मैंने बोला ना, बस सुनते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अभी पूरा ग्राफ कंप्लीट होने दो फिर तुम पूछना क्वेश्चन, ठीक रहेगा? और यहाँ पे पाई बाई टू पे ये वैकेंट है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं, माइनस पाई बाई टू पे भी ये ओपन है, देखो ओपन ब्रैकेट। तो ये ग्राफ बना आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये है y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, तुम ही सोचो ये ग्राफ कहां पे हो सकता है, ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो? चलो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ ये ग्राफ ड्रॉ करने को, करो ड्रॉ। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये माइनस, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, ये यहां से जाएगा, ये माइनस पाई से क्रॉस करेगा, माइनस पाई पे जीरो होगा, इसलिए मुझे पता चला कि y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, और ये गलत कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल होगा, ये किसके पैरेलल होगा, y जो एक्स के पैरेलल होगा, y इज इक्वल टू एक्स, समझ आ रहा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल क्यों होगा, दोनों का स्लिप स्लोप सेम है, ये y इज इक्वल टू एक्स ऐसा है और y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स ऐसा होगा, यानी कि ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ये इधर आने वाला है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई है, ये ग्राफ ऐसे आने वाला है, इसके पैरेलल ही आएगा, यहां से पास करेगा, ये y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स है, इसको आप आगे और पीछे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जब तक आप इसको, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, ग्राफ एक बार आप देख लो, ग्राफ के लिए इतना एनालिसिस हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको, अभी ग्राफ में थोड़ा सा केयरफुली आप बस ध्यान दो, यहाँ पे ये माइनस पाई बाई टू है, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाई टू माइनस के साथ, तो जब ग्राफ थ्री पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के बीच होगा तभी आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सो वाई इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, यानी ये जो वाई है ये क्या क्या हो सकता है, ये एक्स हो गया, कब एक्स होगा, जब ये है, और ये पाई प्लस एक्स है, कब एक्स, कब ये होगा पाई प्लस एक्स, जब एक्स बिलोंग्स टू
माइनस थ्री पाई बाई टू टू पाई बाई टू हो, बोलो, क्योंकि ऐसा ही करने पे जब आप यहाँ पे माइनस थ्री पाई बाई टू पुट करोगे तो ये माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, और जब माइनस पाई बाई टू पुट करोगे तो प्लस पाई बाई टू आ जाएगा। तो यही तो आपको रेंज रखना है वाई का, वाई इससे अलग तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ इतनी दूर तक जाएगा बस, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। इसी तरीके से आप ये ग्राफ सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पास होगा पाई से, देख लो, व्हेन यू पुट एक्स इज इक्वल टू पाई दिस इज इक्वल टू जीरो, यानी ये यहां से पास होगा, यानी कि ये थोड़ा सा इसको नजदीक कर लेते हैं, इसके पैरेलल होगा ऐसे, फिर आप देख सकते हो सेम थिंग, व्हेन वाई इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, व्हेन एक्स बिलोंग टू व्हाट, पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, यानी कि अलग अलग x के लिए अलग अलग ग्राफ होगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में करते थे, लेकिन इन सबका रेंज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू ही रहेगा। सिमिलरली इसके बाद क्या ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, इसके पैरेलल रखना है आपको, ठीक है। फिर आगे ये वाला ग्राफ होगा, ये सब y इज इक्वल टू एक्स थोड़ी ना है, ये सब y इज इक्वल टू एक्स कैसे हो सकता है, ये y इज इक्वल टू एक्स था, ये वाला, ये y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स है, ये y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स है, ये y इज इक्वल टू माइनस टू पाई प्लस एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस थ्री पाई प्लस एक्स है, ये थ्री पाई पॉइंट है, ये टू पाई पॉइंट है, ये पाई पॉइंट है, देख सकते हो आप। इसके बाद एक और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये थ्री पाई बाई टू है, यहाँ पे आ गया और ये ऐसे पास कर गया, और ये ग्राफ क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू पाई टू पाई प्लस एक्स। सो ये है तुम्हारा टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, और ये इधर भी बढ़ता जाएगा और इधर भी बढ़ता जाएगा, देख लीजिए। अब इसको और एनालाइज करेंगे, अभी आप देखिए, आप पैरेलल रखना आप सबको, ये सब पैरेलल है, सब पैरेलल है, क्योंकि सब में एक्स में कुछ जोड़ा गया है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही बना सकते हो कि अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, और अगर एक्स में कुछ सब ट्रैक करेंगे तो राइट शिफ्ट होता है, मतलब ऐसे करके। हाँ, सो इसमें और भी ऐड कर देना चाहिए, टू पाई प्लस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू माइनस फाइव पाई बाई टू टू माइनस थ्री पाई बाई टू, वाई इज इक्वल टू, ये सब याद नहीं करना यार, सिर्फ एनालिसिस के लिए मैं दे रहा हूँ, एक्स बिलोंग टू थ्री पाई बाई टू टू फाइव पाई बाई टू, ये सब आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ याद करना है ये बस, और ऐसा रखने से आपके मन में ऐसा ग्राफ अपने आप आ जाएगा, आपके आपका आपका जो दिमाग है वो इमेज में सोचता है, ये इमेज आपके मन में आना चाहिए, जब भी आप देखो tan इनवर्स tan x आपके मन में ये इमेज है ग्राफ का, ये ही मैं चाहता हूँ बस, उसके बाद आप जो चाहो जैसे चाहो क्वेश्चन को डील करो, जैसे सॉल्व करो, आपकी मर्जी है। यहां तक ग्राफ देख लिया आपने, कॉपी कर लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, कि हमें फिर प्रैक्टिकल, ये थ्योरी हो गया, अब प्रैक्टिकल मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कैसे डील करोगे, क्या करोगे, उस पर बात करते हैं। तो इस तरफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस तरफ का मिटा देता हूं। तो अब मेरे हिसाब से पूछता हूं, tan इनवर्स tan वन कितना होगा, बोलो, tan inverse tan 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, क्योंकि tan inverse tan 1 को हम, ये क्या है एक्चुअली, ये फंक्शन है y, y is equal to tan inverse tan x, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x हो सकती है, पाई प्लस एक्स हो सकती है, माइनस पाई प्लस एक्स हो सकती है, टू पाई प्लस एक्स कुछ भी हो सकती है, तो मुझे यहाँ पे 1 लिखना हो सकता है ये 1 हो सकता है ये पाई प्लस वन हो सकता है माइनस पाई प्लस वन हो, पता नहीं। तो अभी आपने बोला ये वन है, वन इसलिए है
क्योंकि ये जो x है, ये जो 1 है, ये -π/2 से π/2 के बीच में है। 1 कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं पे है। ये क्या है? π/2। π/2 का मतलब 1.57, 1 इसके पहले है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है, दिस इज गिविंग x, सो y इज इक्वल टू 1। मैं पूछता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 2, ये कितना होगा? tan इनवर्स tan 2, तो आप 2 खोजिए कहाँ पे है। यहाँ पे ये 1 था, ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा। अच्छा सो tan इनवर्स tan 2 ये किस पे फॉल कर जाएगा? इस ग्राफ पे। और ये ग्राफ क्या कहता है? -π+x। सो tan इनवर्स tan 2 को मैं लिखूंगा -π+2, सिंपल विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। अभी ग्राफ की हेल्प ले रहे हैं, बाद में ग्राफ की हेल्प भी नहीं लेंगे, तो आप बस पॉजिटिव देखते जाइए। वो बाद में देख लेना क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, हाँ सर। लेकिन यहां तो निगेटिव है। नहीं, निगेटिव आएगा ना, -π है तो -3.14 होगा, निगेटिव आएगा। ये देखो टेन इनवर्स टेन थ्री कितना आएगा, कहाँ फॉल कर रहा है ये? पाई का मतलब टू थ्री फाइव पॉइंट वन फोर तो पाई के जस्ट पहले यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये इस ग्राफ को ही फॉलो करेगा। आपको बस ये देखना है कि जो आप एक्स यहाँ डाल रहे हो वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किस वाले ग्रुप में फॉल कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ का वैल्यू चेंज होता जाएगा। जैसे वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स में कभी ये एक्स होता था, कभी ये 1+x, कभी ये -1+x, ऐसा होता रहता था, ऐसा ग्राफ करते रहते थे हम, तो इन सबका ग्राफ अलग अलग होता था, वैसा ही कुछ है यहाँ भी। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि वो किस में फॉल कर रहा है, और वो देखना बहुत आसान है अगर हमें ये ग्राफ हमारे सामने इमेज में है। पाई का इसका पीरियोडिसिटी है, आप देख रहे हो -π/2 से π/2 के बीच जो फंक्शन शो कर रहा है थ्रू आउट द ग्राफ, वही शो कर रहा है वो, -π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, सब वही शो कर रहा है। ये चीज आप अगर माइंड में रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेन इनवर्स टेन थ्री क्या हो जाएगा? इस पे ही फॉल करेगा, क्या हो जाएगा? -π+3। नेक्स्ट बताइए, टेन इनवर्स टेन फोर, 5+4 पक्का? 5+4 का मतलब ये हो गया, इधर कहां से आ गए आप? 4 का मतलब इधर ही होगा ना, तो ये तो पक्का है कि x में कुछ माइनस ही होगा, प्लस नहीं होगा। तो आप यहां देखोगे कि 4 है कहां पे, यहां पे पाई है 3.14, इधर ही होगा ना 4 कहीं। 3π/2 कितना होता है? 4.5 होता है। 3π/4 कितना होता है? 3π/2। 3π/2 की वैल्यू होती है 4, 3 × 1.57, यानी कि 4.5 से ज्यादा, ठीक है, मोर देन 4.5। सो यहाँ पे 4 भी इसी में फॉल कर रहा है, तो -π+x, -π+4, ऐसे। आगे भी और कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन फाइव, अब सोचो ये 5 अब बियॉन्ड दिस ग्राफ हो गया, अब इस पे आ गया वो, तो क्या होगा? अब वो इस पे आ गया, ये हो जाएगा -2π+x, -2π+5। एक्चुअली 5 में से 2π हटाया जा रहा है, टेन इनवर्स टेन सिक्स, -2π+6, ऑब्वियसली ये यहीं पे है, यहाँ पे आएगा, या मतलब 5π/2 है वो, 5π/2 का मतलब 15 से ज्यादा, एक सेकेंड आराम से, 5π/2 का मतलब 1.5 × 5, 7.5 से ज्यादा, तो 7 भी इसी में रहेगा। मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राफ आपको आना चाहिए। टेन इनवर्स टेन एट, ये आप बताइए जल्दी से ग्राफ को देख के। ये है 2π, ये है 7.5 के अप्रोक्स, उसके बाद 8 आ रहा है, तो किस पे आ रहा है? 3π वाले पे, तो क्या लिखेंगे? -3π+8। कुछ नेगेटिव वैल्यू भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन -2, -1 तो यहीं पे होगा तो मैंने छोड़ दिया उसको,
टेन में माइनस वन देख लो एक बार, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस वन हो जाएगा, सिर्फ माइनस वन. वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन माइनस टू, ये कहाँ पे होगा? ये इससे आगे आ जाएगा ना, पाई प्लस वन, पाई प्लस पाई माइनस टू, क्योंकि ये तो एक्स तो निगेटिव है ना, तो पाई पाई प्लस एक्स, तो एक्स पाई प्लस माइनस टू मीन्स पाई माइनस टू. फिर टेन इनवर्स टेन माइनस फाइव इस पे आएगा, देखो माइनस फाइव, यहाँ पे ये थ्री पाई बाई टू है, इसी से ज्यादा इधर इस पे आएगा टू पाई प्लस एक्स माइनस फाइव, ऐसे ये हो गया. ठीक है, इसको निगेटिव वाले को करने का एक और तरीका हो सकता है, वो ये कि जो भी इसका आएगा उसका माइनस ही होगा वो, क्योंकि ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, इसलिए माइनस को हम बाहर निकाल के सेम आंसर लिख सकते हैं. जैसे यहाँ माइनस फाइव पूछा गया तो मैं माइनस को बाहर निकालूंगा, फिर माइनस एकदम यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, फिर मैं लिखूंगा टेन इनवर्स टेन फाइव की वैल्यू, टेन इनवर्स टेन फाइव नीचे लिखा हुआ है, माइनस टू पाई प्लस फाइव, माइनस के साथ लगाने के बाद ये बन जाएगा. तो निगेटिव को बॉदर करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाले को निगेटिव करके आंसर आ सकता है. ये हो गया. तो हमने क्या कर लिया, इतनी सारी वैल्यूज निकाल ली. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. देखिए इन सब में आपको मैं बोलता हूँ कि आपको ग्राफ याद नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसका रेंज पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच होगा. चलिए ये बात आपको याद है, ठीक है. और आप कर क्या रहे हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू है वन टू थ्री फाइव कुछ भी सिक्स कुछ भी, या तो उसमें पाई आप ऐड कर रहे हो या पाई माइनस कर रहे हो, या तो थ्री पाई ऐड कर रहे हो या थ्री पाई माइनस कर रहे हो, या फोर पाई ऐड कर रहे हो या फोर पाई माइनस कर रहे हो, यही तो कर रहे हो इसमें. या तो आपने टू पाई माइनस किया या ऐड किया, आपने इसे पाई माइनस किया या ऐड किया, थ्री पाई माइनस किया या ऐड करोगे, तो आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे. तो यानी कि आपको ये समझ में आ गया है. वैसे भी इसका सॉल्यूशन क्या दिखाई दिया था आपको, सीधा सॉल्यूशन पे आओ ना, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, तो y की वैल्यू कितनी आई, एन पाई प्लस एक्स आई थी. इसका मतलब x में क्या हो रहा है, एन पाई एड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, x प्लस एन पाई हो रहा है बस. तो x में कुछ जुड़ेगा या घटेगा, बस यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है बस. चलिए यहां तक मुझे पता है. अब कोई भी वैल्यू मैंने डाल दी, सपोज और मैंने यहाँ टेन डाल दिया, टेन इनवर्स टेन टेन की वैल्यू बताओ. मैं ग्राफ नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता थ्री पाई ऐड करना है, टू पाई ऐड करना है, फोर पाई ऐड करना है या माइनस में कुछ ऐड करना है. तो देखते हैं, ये आंसर है एन पाई प्लस एक्स, ये हमें पता है. तो वाई इज इक्वल टू क्या लेंगे, टेन, इसमें क्या करना है एन पाई, तो क्या करोगे आप इसमें, पाई ऐड करोगे या टू पाई ऐड करोगे या थ्री पाई ऐड करोगे, ऐसा करने से क्या होगा, टेन की वैल्यू और बढ़ जाएगी. हमें वाई की वैल्यू को खींच के माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू रखना है एनी हाउ. तो डेफिनेटली व्हाट वी शुड डू, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दिस. तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, टेन में से थ्री माइनस हो जाएगा, फिर भी सेवन आंसर है. टू पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टेन में से सिक्स माइनस हो जाएगा, फिर भी फोर आंसर है. इसका मतलब अगर थ्री पाई सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो रहा है, टेन माइनस कुछ अब लग रहा है हो सकता है आंसर. एक बार चेक कर लेंगे, थ्री पाई का मतलब 9.42 माइनस करेंगे तो ये आपको आ रहा है दिमाग में, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, यही आंसर आप पक्का कर लो. सबसे पहले आपने प्लस को नलीफाई कर दिया कि प्लस तो कर ही नहीं सकते, तो अब आया ऑप्शन एन नेगेटिव लेने का. नेगेटिव में पहले वन लिया, टू लिया, थ्री लिया, थ्री पे चेक कर लिया, चलो फोर लेके भी क्या आ जाएगा, क्या कहीं मतलब धोखा तो नहीं हो रहा, करके देख लेते हैं. टेन माइनस फोर पाई कितना होता है, 12.56 समथिंग ले लो, तो फिर भी ये कितना आएगा, 12 ही. सपोज 12 पे आप रुक गए, आपको पॉइंट नहीं देखना ज्यादा, माइनस टू तो आ ही गया ना, लेकिन माइनस पाई बाई टू तो माइनस 1.57 है, इसके पीछे तो आ ही नहीं सकते. तो इसका यूनिक सॉल्यूशन यही होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा हर थीटा के लिए, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा हर एक्स के लिए. और वो इतना एनालिसिस करने के बाद भी
हमें इस पे डिपेंड नहीं रहना है, हम डायरेक्ट ऐसा कुछ करेंगे कि वो इसके अंदर फॉल करेगा, बस ये चीज माइंड में रखनी है। और ग्राफ आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ग्राफ बताया। तो ये हो गया सारी चीजें कंप्लीट। अब इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो आपको सटा सटा इसका आंसर बताना है। तो ग्राफ रहने देते हैं और चीजें इधर से मैं कुछ मिटा देता हूं। अच्छा सर, ग्राफ में सर ये राइट वाले साइड पे माइनस पाई क्यों हो रहा है सर? माइनस पाई इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच उसको करवाना है और क्या। अच्छा हाँ हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स tan 19 पाई बाय 4, सपोज ये गिवन है, tan इनवर्स tan 19 पाई बाय 4, क्या होगा इसका आंसर? जो पॉजिटिव नंबर होगा उसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा कुछ, क्योंकि सबसे पहले तो आप देख लो कि ये पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच नहीं, आपके बुक में ये लिखा रहता है, देखना आप अपने मॉड्यूल में, सिर्फ इतना लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स राइट एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बस इतना ही लिखा है। यानी कि हमें इतना ही तक पढ़ना है क्या? अगर पाई बाई टू से ज्यादा देंगे तो क्या हम बैठ जाएंगे? मतलब उस उन्होंने तय कर दिया कि इसका डेफिनेशन इतने तक की है, बट ऐसा नहीं है, इसका डेफिनेशन तो आगे है, पूरा रियल नंबर है, यहीं से पता चलता है, बट मॉड्यूल में सिर्फ इतना गिवन है। ठीक है, तो आप पूरा देखें 19 पाई बाय 4 माइनस देखो, सो ज्यादा नहीं सोचना है यहाँ, बिल्कुल 19 पाई बाय 4 मतलब आप देख पा रहे हो क्या है, 16 से थोड़ा ज्यादा, 20 से थोड़ा कम है, यानी कि ये 5 पाई के अराउंड है। तो 5 पाई में आप क्या माइनस करोगे कि पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच आ जाए, ठीक है, माइनस ही करना है, प्लस माइनस ही कर सकते हैं, प्लस करने पे तो और बढ़ जाएगा। तो 5 पाई में आप क्या कर दो, 5 पाई माइनस कर दो। हाँ 5 पाई, ऐसा करने से आपको माइनस पाई बाई 4 आंसर मिलेगा। ये क्या है, पाई बाई 4 ही तो कम है ना 5 पाई से। हाँ, नहीं समझे, इसको लिख सकते हैं 20 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और यहाँ है माइनस पाई, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसलिए 5 पाई माइनस करना एकदम ठीक था। और 4 पाई माइनस करोगे तो आपको वैल्यू थोड़ी बड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे आप लिखो 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस, यही है, ये कैंसिल हो गया, 3 पाई बाई 4 रह गया, 3 पाई बाई 4 तो बड़ा हो गया ना पाई बाई 2 से, पाई बाई 2 से बड़ा हो गया छोटा हो गया? नहीं छोटा हो गया सर, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक सेकेंड, तो थ्री 2 पाई बाई 4 कैसे छोटा हो गया, अजीब इंसान हो, 2 पाई बाई 4 होता है पाई बाई 2, तो 3 पाई 4 तो उससे बड़ा ही है ना, ठीक है। हाँ, तो ये आप नहीं कर सकते क्योंकि 3 पाई बाई 4 कैन बी आउट ऑफ दिस इट्स रेंज, इसके रेंज से आप बाहर नहीं जा सकते, तो एक ही आंसर है माइनस 5 पाई, ये तो पक्का है। हाँ तो सिंपल है यार, इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना नहीं है, कोई अगले बार तुरंत पूछे आप तुरंत जवाब दो, आपसे कोई पूछे tan इनवर्स tan 15 बताओ जल्दी, ज्यादा नहीं सोचना है। फिफ्टीन माइनस 4 पाई, 4 पाई का मतलब कितना होता है 12 पॉइंट समथिंग, बहुत ज्यादा गैप नहीं हो रहा, 5 पाई, यस 15 माइनस 5 पाई, 5 पाई का मतलब 3 इंटू 5 15.7 आ जाएगा, कुछ 0.7 आएगा आंसर, माइनस 0.7, माइनस 0.7 तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के पीछे लाई करता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हो गया, काफी कुछ आपने सीख लिया अभी। हम लोग आते हैं इस पे आगे, कॉट इनवर्स पे आते हैं, इसको मिटा दिए थे। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका था आपने जो भी किया है, tan इनवर्स tan 19 pi by 4 को करने का एक और तरीका था, वो 5 पे माइनस करना, तो बिल्कुल सही सॉल्यूशन है, कोई डाउट बिल्कुल ही नहीं है। फाइनल आंसर क्या आया था उसका? माइनस पाई फोर ही आया था ना। इसका आंसर क्या आया था? माइनस पाई फोर ही तो आया था, भूल गए। इसको मैं लिखूंगा 19 पाई बाई फोर माइनस 5 पाई, यही लिखूंगा, तो फाइनली तो ये माइनस पाई फोर ही है। चलो अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या देखें, टेन इनवर्स टेन 19 पाई फोर को क्या लिखेंगे, 4 पाई प्लस 3 पाई बाई फोर, यही होता है ना। अरे इनवर्स को भूल जाओ और टेन थीटा को ब्रेक करो ऐसे। हाँ सर, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन फाइव पाई माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि हमें सिर्फ यही पता है। सपोज मेरे किसी बच्चे को सिर्फ यही पता है, ये एक्स होता है और एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच होनी चाहिए, यही पता है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्स जो है इसको हम पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच अंदर ही ले आएंगे, वो बाद की बाद में अंदर ही उसके बीच लाएंगे, तो हम इसलिए इसको अवॉइड कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। वैसे कर सकते हैं, tan 3 पाई प्लस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3 पाई बाई फोर, यहीं पे वो फंसेगा, क्योंकि ये चीज सिर्फ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए होती है कि tan इनवर्स tan x x हो जाता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से करता हूँ। ये लिखा हमने tan इनवर्स tan 4 पाई, 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, थीटा हो जाता है। अब इसकी वैल्यू कोई लिख दे अगर 3 पाई बाई 4, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स tan x को वो x लिख रहा है, लेकिन ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब x इसके अंदर हो, लेकिन यहाँ x इसके बाहर है, तो इसके लिए हम कुछ और करेंगे ना, ये नहीं कर सकते, 3 पाई बाई 4 नहीं लिख सकते। तो उस लिमिटेड बच्चे को क्या चाहिए कि 3 पाई बाई 4 को भी क्या करे, वो पाई माइनस पाई बाई 4 कर दे। तो एक स्टेप और बढ़ गया, फिर लिखे यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, यानी माइनस पाई बाई 4, ये माइनस निकाल दिया बाहर इसमें, ठीक। अब ये माइनस सबके बाहर आ गया, क्योंकि ऑड फंक्शन है, माइनस कोई डाइजेस्ट नहीं करता है, ये बाहर निकाल चुका है। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स tan थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4। तो वैसे भी आंसर माइनस पाई बाई 4 आया, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। तो इतना करने से अच्छा था सर ऐसे कर लेते, tan इनवर्स tan 5 पाई माइनस पाई बाई 4 एंड दिस इज फाइनली बिकम्स माइनस पाई बाई 4, बात खत्म, ठीक है। क्यों, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, जल्दी बोलो, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, अब ये माइनस सीधा बाहर आ जाएगा। अब ये तो हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, सिर्फ थीटा होता है, आ गया माइनस पाई। सो कैसे भी कर लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आपको सब कुछ पता है। इसका रेंज आप याद रखोगे तभी हो सकता है। ओके, अब आइए cot इनवर्स cot x, उसका डोमेन रेंज सोच लो फटाफट, अभी बताने की जरूरत पड़ेगी। सर किसका, cot इनवर्स cot x, क्या होता है इसका डोमेन, cot x का डोमेन क्या होता है सर, रियल माइनस n पाई, यहीं पे लिख देते हैं डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस n पाई, वेरी गुड। यहाँ पे पाई का जो मल्टीपल है, कोई मल्टीपल, उसी पर वो इन्फिनिटी हो जाता है या माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, रेंज की बात कीजिए। ये तो ऑल रियल नंबर
देखो इनवर्स, अच्छा अजीब इंसान हो। कॉर्टेक्स क्या देगा आपको? कुछ भी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रियल नंबर, सिर्फ कॉर्टेक्स का रेंज रियल नंबर है। अब कॉट इनवर्स का तो ग्राफ भी आपको याद नहीं है? अच्छा जीरो जीरो टू पाई है। हाँ, अब सही हुआ ना। ये ग्राफ इसलिए मैं कहता हूँ इमेज में याद रखो, रटने की जरूरत नहीं है। 0 to π इसका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे ये तो पूरा रियल नंबर रखने दे रहा है, यहाँ पे माइनस इनफिनिटी, तो कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा वही इसका रेंज होगा। तो दिस विल बी 0 to π। आपको क्या समझ में आ रहा है कि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स का, चाहे जो भी x रखो फाइनल वैल्यू 0 से π के बीच होना चाहिए। जैसे उसमें फाइनल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए था, इसमें फाइनल वैल्यू 0 से π के बीच होना चाहिए। ये छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात ये हमें अभी पता चल गई। इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इसका नेक्स्ट होना चाहिए कॉट y इज इक्वल टू कॉट एक्स। इसके बाद क्या होना चाहिए? n π + x। यहां तक जो लास्ट क्वेश्चन में था वो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। इतनी चीजें आपको हमेशा करनी है। y इज इक्वल टू n π + x। अब आपसे कोई पूछता है, अब मैं इतना सारा ग्राफ नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सीधा आपसे बोल रहा हूँ बताइए y की वैल्यू क्या होगी अगर cot की वैल्यू 10 है। सीधा 10 पे बात करते हैं, तो आप क्या करेंगे? 10 में कुछ ऐड करेंगे क्या? 2π ऐड कर दें? फिर अच्छा माइनस 4π कर देते हैं। फिर ऐड करने माइनस से बात नहीं बनेगी क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये बात पता चली कि माइनस करना पड़ेगा। अब क्या माइनस करना पड़ेगा वो बताइए मेरे को जल्दी, और क्यों माइनस करना पड़ेगा? फाइनल आपको वाई की वैल्यू वो किस किस के बीच रखना है बोलो। 2π 3π माइनस कर देंगे फिर। 3π माइनस करोगे तो 3π माइनस करने से इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी ना? हाँ रहेगी, 3π माइनस करने से पॉजिटिव रहेगी। तो यही आंसर है। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग इन सच अ वे दैट द आंसर मस्ट लाई बिटवीन दिस इंटरवल 0 to π। 0 से π के बीच अगर आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, और कुछ भी माइनस करोगे तो वो 0 से π से बाहर हो जाएगा। ये निगेटिव आ रहा है बट इसकी वैल्यू निगेटिव कभी नहीं होती, कॉट इनवर्स की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती, ये नहीं ले सकते। तो कोई बच्चा सोचेगा मैं -2π कर देता हूँ, फिर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2π का ज्यादा मतलब 6.28, 10 से माइनस किया कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 3.8 के लगभग, 3.7 के लगभग आ रहा है। जबकि पाई से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इससे ज्यादा गई वैल्यू तो गए आप। तो आंसर क्या हो गया? सिर्फ यही आंसर है। तो आपको अब कुछ सोचना ही नहीं है। टेन इनवर्स में -π/2 से π/2 के बीच रखिए, कॉट इनवर्स में 0 से π के बीच रखिए, चाहे कोई भी वैल्यू आपके सामने कुछ भी आ जाए। तो अगली बार कोई ये दे देगा कॉट इनवर्स कॉट 19π/4 जो पुराने वाले में था, जो लास्ट अभी तुरंत किया है, इसका आंसर क्या करोगे? इसमें आप 3π 4π माइनस मत करो, इसको इस तरीके से करो, कॉट इनवर्स कॉट 5π - π/4, जिसके जो नजदीक है वहां पे चले जाओ और फटाफट देखो कि ये तो आपको दिख रहा था ये 20π से सिर्फ 5/4 कम है। अब इनवर्स का फंक्शन बाद में देखेंगे, कॉट पाई माइनस थीटा कितना होता है? कॉट पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मतलब निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ कॉट पाई बाई फोर। अब ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई बाई फोर, सो कॉट इनवर्स माइनस थीटा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है? माइनस बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है? शायद नहीं निकलेगा ना, क्योंकि इसका तो रेंज ही तो 0 से π है। हाँ, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा यानी कि नेगेटिव वैल्यू पे ये ऊपर जाता है, क्या होगा? π - π/4। ये आप नहीं कर पा रहे हो शायद, या फिर आप ऐसे कर लो। हाँ 3π/4 आंसर आ रहा है क्या इसका? कॉट इनवर्स ऐसे कर सकते हैं इसको, 4π + 4π + 3π/4, यहाँ पे निगेटिव का चक्कर ही खत्म। सो कॉट 2n π + थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, कॉट 2n π + थीटा कॉट थीटा। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा में ये रह सकता है,
कॉट थीटा तो इसको इंटरटेन करेगा ही ना, हम डायरेक्ट इसको 3 पाई, नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉट इनवर्स कॉट थीटा को हम ये लिख सकते हैं जब वो 0 से पाई के बीच में हो, जैसे हम टैन इनवर्स टैन एक्स को एक्स लिख सकते थे जब एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होता है। ग्राफ करने पे ये और ज्यादा क्लियर होगा, ग्राफ मैंने नहीं बताया है, तो जो मैं यहाँ बताना चाहता था वो तो क्लियर है ना, बस हाँ वो याद रखो, बस अभी ग्राफ से वो भी क्लियर हो जाएगा जो मैं अभी बताना चाह रहा था। तो ये 19π/4 है, ये 5π के नजदीक है, तो यहाँ पे आप 19 ऐसे उस तरीके इस तरीके से कर लेते हैं, 19π/4 - 5π करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, बट कॉट इनवर्स की वैल्यू तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो क्या करेंगे 4π- करेंगे, तो ये आंसर आएगा 3π/4, 3π/4 ही सही आंसर, ठीक है इसका आंसर 3π/4 ही होगा। चलिए क्योंकि पाई तक तो आंसर हो ही सकता है। चलिए अब मैं आपको दे देता हूं, आप ट्राई कीजिए फटाफट खटाखट लिखिए यहाँ पे, कॉट इनवर्स कॉट 8, कॉट इनवर्स कॉट 9, ठीक है, कॉट इनवर्स कॉट 11, कॉट इनवर्स कॉट 4, ये आप करो, मैं इंक डालू थोड़ा फिर शुरू करते हैं। हो गया ओके, देखते हैं चेक करते हैं कितना सही है। सबसे पहले मैं करूंगा कॉट इनवर्स कॉट 9 का, 9 - 2π। ओके तो अगर 9 माइनस, पहले तो प्लस नहीं कर सकते क्योंकि वो 9 से भी बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले तो मुझे ये याद होना चाहिए कि मेरे को n π + x करना है, इसी के बेस पे ही हम इसमें कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे फंक्शन में जैसे मान लो cos y में अगर ऐसा होता तो y की वैल्यू पता है क्या हो जाती, 2n π + x, यानी कि यहाँ पे बेचारा x प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा, और इसमें x में पाई ऐड होगा, हमेशा इवन ऐड होगा,
ये सारे कंडीशन जो इसमें है वो टेन और कॉट में नहीं है। टेन और कॉट में सिर्फ या तो पाई घटाओ या तो पाई जोड़ो, या तो पाई, तो कोई भी पाई का मल्टीपल घटाओ या कोई भी पाई का मल्टीपल जोड़ो, ऐसा सिचुएशन इसमें नहीं है। इसमें एक्स भी कभी कभी माइनस हो जाता है, कभी ये हो जाएगा टू पाई प्लस एक्स, कभी हो जाएगा माइनस टू पाई प्लस एक्स, कभी हो जाएगा टू पाई माइनस एक्स, ये प्रॉब्लम है। इसलिए इतना आसान ये नहीं है जितना ये दोनों है टेन और कॉट। ये चीज आपको फिर से अभी जब बताऊंगा कॉस तब ये ज्यादा क्लियर होगा। तो कॉट इनवर्स कॉट नाइन को क्या लिखना चाहिए, नाइन में से कुछ माइनस करना है, तो मैं सबसे पहले नाइन के करीब थ्री बाई आता है, लेकिन अब ये हो गया नेगेटिव, जबकि कॉट इनवर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपको रेंज याद रखना बहुत जरूरी है, या याद रखना बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज आप याद रखोगे तभी आप ऐसे दोनों कॉट और टेन को कर पाओगे, ये सॉल्यूशन और ये रेंज नाइन माइनस टू पाई। अब डेफिनेटली ये वही फॉल करेगा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आप तसल्ली के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि आप नाइन में से क्या माइनस कर रहे हो, सिक्स से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, सो डेफिनेटली दैट विल बी मोर देन थ्री, मोर देन थ्री मीन्स अंडर पाई, वो पाई के नीचे है, तो पाई के नीचे है तो ठीक है, यही आंसर है। कॉट इनवर्स कॉट एट, अब इसमें से थ्री पाई घटाने का तो कोई सोच ही नहीं सकता, तो टू पाई ही घटाया जाएगा, और टू पाई घटाने के बाद भी ये पॉजिटिव नंबर रहता है जीरो से ज्यादा और पाई से कम, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, कॉट इनवर्स कॉट 11। सर यहाँ पे अगर मैं, हाँ यहाँ पे मैंने अगर थ्री पाई माइनस किया तो पॉजिटिव रहता है, टू पाई माइनस करने पे थ्री से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, पाई से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो ये 11 माइनस थ्री पाई ही होगा। कॉट इनवर्स कॉट 4, 4 माइनस पाई, बस। तो हमें इसकी ये याद है तो हम फटाफट इसका आंसर कर सकते हैं, और यही पूछा जाता है, आगे पूछा जाता है आपके आईटीएफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं टेन कॉट हो गया, अब बात करते हैं। हेलो सर जी, अरे कल वो WBJEE का सर मतलब एग्जाम हुआ था, तो सर उसमें एक क्वेश्चन था लिमिट का, सर वो मैं सेंड कर दूं क्या? कर दो। y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x, डोमेन क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा का सारा रियल नंबर ले लो। रेंज क्या होगा सोचो, रेंज क्या होगा, cos x की वैल्यू कितनी होती है, प्लस वन से माइनस वन के बीच। ओके अच्छा, ओ अरे बताओ तो सही, यहाँ पे cos x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन टू प्लस वन। अब यहाँ पे cos इनवर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, माइनस वन से प्लस वन आ रहा है, तो cos इनवर्स का पूरा रेंज आ रहा है ना इसमें, तो cos इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन के बीच, क्या होता है रेंज, जीरो से पाई होता है सर, तो इसका रेंज क्या हो गया, जीरो से पाई तक, सिंपल है, डोमेन रेंज फाइंड कर लिया आपने। अब आगे बढ़िए, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना चाहिए, cos y इज इक्वल टू cos x लिख सकते हैं। अब यहाँ y क्या हो जाएगा, फिर से 2n pi प्लस माइनस x, यहाँ पे वो tan cot वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ करना है जिससे कि जीरो से पाई के बीच रिजल्ट आ जाए, तो देखते हैं। अगर अगर n जीरो हो तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस x होगा, यानी कि cot cos इनवर्स cos x, सपोज करो ये वन है तो आंसर क्या हो जाएगा, वन, और इसके लिए x को किसके बीच लाई करना पड़ेगा, जीरो से वन के बीच, तभी हो सकता है। cos इनवर्स cos टू है, ये वन नहीं, टू नहीं होगा, cos इनवर्स cos माइनस वन, ये माइनस वन नहीं होगा, ये प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा जीरो से ऊपर होगा, ये सब अभी देखेंगे ग्राफ में। cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 4 कितना होगा, 3 पाई बाई 4 होगा,
अब देखते हैं ग्राफ इसका कैसा होता है। ये पहले y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, ये तो है कम से कम n जीरो पे, ये y इज इक्वल टू x और ये y इज इक्वल टू माइनस x, यही तो होता है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस x आपके सामने है। अरे कॉट इनवर्स कॉट x का ग्राफ बनाना भूल गए, अभी उसका ग्राफ बना देंगे, इसके बाद उसका ग्राफ बना देंगे, बस फाइनल। y इज इक्वल टू प्लस x, y इज इक्वल टू माइनस x, और ये वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू जब n जीरो हो। और आप ही सोचो अगर x की वैल्यू यहाँ पे वन से ज्यादा हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, x माइनस वन से वन के बीच हो तब ऐसा हो सकता है, तो बुक में ही लिखा रहता है x माइनस वन से वन या क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होना चाहिए क्या, नहीं वहां पे जीरो से पाई, अच्छा अच्छा हाँ एक सेकेंड, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन, और माइनस वन से वन वो कब होता है, जब वो जीरो से पाई होता है, अच्छा ओके ठीक है। जब n की वैल्यू 1 होगी तब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से when n is equal to 1, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा 2 pi plus minus x, so 2 pi minus x किधर हो जाएगा, ये वाला, और 2 pi plus x किधर हो जाएगा, ये वाला, एक सेकेंड, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यहाँ पे x 2 pi हुआ ना तो ये जीरो हो गया, धाराशाही हो गया, और x यहाँ पे पाई हुआ तो कोनो दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो y is equal to x है ना वो होगा जब x जीरो से पाई के बीच होगा, जब n जीरो होगा, y is equal to, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे सोचो, फिर यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो y क्या हो जाएगा 4 pi plus minus x, तो यहाँ पे हो गया y is equal to 4 pi plus x and y is equal to 4 pi minus x, तो 4 pi plus x ये वाला हो जाएगा और 4 pi minus x कौन सा हो जाएगा, 2 pi minus x ये है, 4 pi minus x ये हो जाएगा, ठीक है हाँ। तो ऐसे ही आप ग्राफ बना लोगे, ये वाला ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला, ये वन नहीं होगा यहाँ पे, ये पाई है, ये माइनस पाई है, क्योंकि एक्स तो कॉस के अंदर आ रहा है ना, मतलब कैसे होगा, ये माइनस टू पाई है, एक्स प्लस टू पाई, टू पाई माइनस एक्स, ये यहाँ पे प्लस एक्स ये नहीं होना चाहिए, टू पाई प्लस एक्स इसके पैरेलल होना चाहिए, ध्यान दो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स प्लस फोर पाई लिख सकते हो, तो ये होना चाहिए माइनस एक्स प्लस टू पाई, टू पाई पे जीरो हो रहे हैं, ठीक है, और ये होना चाहिए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई, एक्स इसके पैरेलल, देखो इसके पैरेलल एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, इसमें टू पाई ऐड किया, इसमें फोर पाई ऐड किया, इसमें कुछ नहीं ऐड किया और इसमें सबट्रैक्ट किया, x माइनस टू पाई, फिर आगे x माइनस फोर पाई, और यहाँ टू पाई माइनस x इसके पैरेलल, फिर टू पाई माइनस x ये, टू पाई माइनस x ये, दोनों कैसे हो सकता है, यहाँ पे होगा माइनस टू पाई माइनस x, और एक बात बताऊँ, इतना ये ग्राफ आप नोट कर लो एक बार के लिए, और इससे आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इस ग्राफ में ऐसे ट्राइंगल बनता है ओरिजिन से पाई के बीच, ओरिजिन से टू पाई के बीच, जीरो से टू पाई, इसका पीरियोडिसिटी क्या है,
इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियड क्या होगा, जो 2π का पीरियड होगा, जो cos x का पीरियड होगा, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2π, इसका पीरियड हो जाएगा 2π। तो बस आपको यह ध्यान में रखना है कि 0 से पाई के बीच इसका ग्राफ ऐसा होता है, बस और कुछ नहीं। और इसी को बाद में आप रिपीट कर दोगे, टिंग 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 टिंग। अब बड़े ध्यान से आप बताओगे कि ये y इज इक्वल टू x है, यहाँ पे ये जो है ना ये माइनस x के पैरेलल है, तो यहाँ पे माइनस x तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे ना पाई है और ये 2π है, तो 2π पे ये 0 हो रहा है, तो प्लस 2π कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही x 2π रखेंगे ये 0 हो जाएगा, यानी कि सही किया हुआ है, ये y इज इक्वल टू माइनस x है। बड़े ध्यान से आप एक एक करके ग्राफ पुट कर दो, अगर somebody tell you to draw the graph of cos inverse cos x, right? Right. Okay. तो यहां तक बात हो गई कि इसके एनालिसिस की, से ग्राफ की, अब इसके क्वेश्चन कैसे करें, जो क्वेश्चन जैसे ये सारे क्वेश्चन कैसे करें, कैसे हम इसमें जीरो से पाई के बीच, कॉन्सेप्ट वही है कि आपको रेंज याद रखना है, और आप कुछ ऐसा करो एक्स के साथ कि आपका जो फाइनल वैल्यू है वो जीरो से पाई के बीच फॉल कर जाए, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, सारी जगह यही पे है। तो आप यहाँ पे ये सब नोट कर चुके हो, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन भेज दिया आपने? हाँ सर। सर मैं मतलब मैं कैसे किया था वो भी सर सेंड किया, मतलब मेरा सर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है सर, तो वो क्लास में डिस्कस करें, तुमने कैसे किया था, या फिर बाद में करें, मैं देख लेता हूँ अभी, लेकिन ये फ्लो भी बीच में नहीं रुकना चाहिए ना। तो ये कॉस इनवर्स, मतलब आप अपना कंप्लीट कर दीजिए फिर सर आप। हाँ 5, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप 5 में 2π जोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास, आप इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसको y मान लो, सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू कॉस 5, मतलब वो इवन इवन पाई होगा ना, मतलब ऑड का तो उसमें बात ही नहीं आएगा, क्योंकि 2 हाँ वही तो इवन ही होगा, लेकिन इवन उसमें तो क्या करते थे कि 5 में आप सिर्फ सबट्रैक्ट कर देते थे, इसमें 5 को भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, हम उस पे नहीं जानते हैं, y इज इक्वल टू सीधा क्या कर दिया 2n π प्लस माइनस 5। अब इसमें क्या क्या चीज हम छाटते जाएंगे, कैसे कैसे करते जाएंगे वो देखते जाइए। यहाँ 5 है, n की वैल्यू 0 कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 5 माइनस 5 बन जाएगा, यानी n की वैल्यू अगर यहाँ 1 करें तो ये रहेगा 2π प्लस 5 और 2π माइनस 5, 2π माइनस 5 करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, देख पा रहे हो आप, और 2π प्लस 5 बहुत बड़ी वैल्यू है, यानी कि n की वैल्यू 2 करके इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 2n π प्लस माइनस 5 में, 2n π प्लस माइनस 5 में n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4π प्लस माइनस 5, 4π प्लस 5 इज आराम से नेग्लेक्टेड, और 4π माइनस 5 में देखो क्या बन रहा है, 4π का मतलब, अरे बहुत ज्यादा हो रहा है, बोलो जी कैसे होगा, फंस गए, तो सॉल्यूशन क्या है, n की वैल्यू पॉजिटिव रखने से काम नहीं बन रहा, तो n की वैल्यू को नेगेटिव रखना पड़ेगा, माइनस 2 रख दो, 2n π प्लस माइनस 5, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू नेगेटिव रखिए, यानी कि माइनस 2π रखिए, माइनस 2π में प्लस 5 कर सकते हैं, माइनस करने पे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो प्लस कर दीजिए, माइनस 2π प्लस 5 कीजिए, माइनस 2π का मतलब कितना, माइनस 6 समथिंग, उसमें 5 ऐड करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा यार, तो कैसे करें फिर, नेगेटिव तो नहीं चाहिए, तो नेगेटिव माइनस पे नहीं हो रहा है, हमें 0 से पाई आंसर चाहिए। हाँ सर, उसमें तो प्लस माइनस 5 का भी ऑप्शन है, तो फिर हमने राइट प्लस माइनस 5, यस, तो यहाँ पे 2n π प्लस माइनस 5, तो माइनस 6 प्लस करने से नहीं हो रहा है ना, हाँ एक सेकेंड, 2n π प्लस 5 किया हमने, 2n π माइनस 5 भी किया, तो इसमें क्या दिक्कत है, ये तो ठीक तो है, ये यू क्यों छाट दिया आपने, 2π मतलब 6 समथिंग, माइनस 5 करोगे तो 1 के अबाउट कुछ आंसर आएगा, जो 0 से पाई के बीच है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया, 2π माइनस 5, तो इसमें सीधा यही कर लो आप, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 0 से पाई के बीच कैसे आ सकता है,
और प्रैक्टिस करके ये बहुत ही फास्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दो और कर लेते हैं कॉस वाला, तब ये अच्छे से होगा। कॉस इनवर्स कॉस टेन, कॉस इनवर्स कॉस टेन। अच्छा कोई आपसे पूछे ना कॉस इनवर्स कॉस माइनस टेन, तो आप फिर भी कॉस इनवर्स कॉस टेन का ही फाइंड करना। कॉस तो वो मतलब माइनस को तो हटा ही दे, इवन 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 फंक्शन है ना, तो जो कॉस इनवर्स कॉस टेन होगा वही कॉस इनवर्स कॉस माइनस टेन होगा। तो आइए यहाँ पे, तो हमें अगर सब कुछ पता है तो मुझे क्या पता है आंसर होने वाला है 2n पाई प्लस माइनस 10। अब 10 में प्लस करने के बाद इसमें कुछ अगर नेगेटिव रखा जाए, मतलब इस तरफ तो नहीं होगा, मतलब नेगेटिव n पे नहीं होगा, पॉजिटिव n पे ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली हमें जो यहाँ मिलेगा वही इधर मिल रहा है, और यहाँ 10 है तो 10 तो इधर ही है ना कहीं, तो इन्हीं सब ग्राफ में से कुछ होगा देख लो, इसीलिए माइनस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि एन निगेटिव हो जाएगा वगैरह वगैरह, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव पे हो ही जाएगा, किसी ना किसी ग्राफ में वो फॉल कर ही जाएगा। तो एन निगेटिव जो हम लोग अभी कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा एन पॉजिटिव ही करेंगे। सर इसमें सर ये सर माइनस थ्री दे सकते हैं एन का वैल्यू, मतलब माइनस थ्री पाई नहीं दे सकते, उससे और फंसने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस टेन है तो एक्स तो टेन है ना, एक्स माइनस टेन थोड़ी ना ले रहे हो, टेन तो इस तरफ ही होगा ना, जब टेन इस तरफ होगा तो यहाँ पे नहीं हो सकता, माइनस क्यों नहीं ले सकते, माइनस टू पाई भी तो है यहाँ, माइनस टू पाई है ना, ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यार, एन हमें किसी तरीके से जीरो से पाई के बीच चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोर पाई माइनस फोर पाई ले लिया, कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे टेन पड़ा हुआ है बेचारा, अब इसमें आपको जो करना है करो, जैसे करना है करो, इसको माइनस टेन बना, दोनों सामने तैयार रखो, अब जिससे भी आंसर आ जाए वो तुम्हारा आंसर है। जैसे हम अपने माइनस थ्री पाई रख दिया तो कितना हो गया माइनस नाइन पॉइंट समथिंग, उसमें टेन ऐड कर दिया, आंसर आ गया, आंसर ठीक हो गया, क्या आंसर हो गया, टेन माइनस थ्री पाई, सिंपल है। आगे करते जाते हैं, कॉस इनवर्स कॉस इलेवन या ट्वेल्व कर लो, तो यहाँ पे 12 रख दिया, माइनस 12 रख दिया, अब इसमें कुछ जोड़ो घटाओ जैसे भी करना है करो और फाइनल आंसर निकालो। तो माइनस थ्री पाई से अगर करते हैं तो 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए माइनस थ्री पाई तो नहीं होगा, प्लस थ्री पाई होगा मतलब ही नहीं है, माइनस 12 थ्री पाई ये भी नहीं, 4 पाई पे आ जाओ, 4 पाई प्लस 12 कर लो या 4 पाई माइनस 12 कर लो, 4 पाई माइनस 12 होगा ना, 12.3, यस 4 पाई माइनस 12 आंसर। तो आप समझ पा रहे हो कि हमें इसको याद रखना है और अपने काम को आगे बढ़ाते रहना। हाँ सर, साइन में भी तो शायद सेम चीज ही होगा, बस वो मतलब उसका हाँ साइन में भी सेम चीज होगा और ग्राफ अलग होगा, और उसी तरीके से कॉट इनवर्स का भी ग्राफ अलग होगा। तो आपका टास्क है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जो आप डिस्कस कर चुके हो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, और फिर सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये चीज आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए हो ग्राफ के साथ, यहाँ पे आप कभी नहीं फंसने वाले। इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो है, वो सब ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, जो ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इसके इक्वल, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाता है, कैसे होता है वो देखेंगे। फिर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है, कैसे हो जाता है वो देखेंगे। जैसे साइन होता है वैसे ही टैन और कोसेक होता है, जैसे कॉस होता है वैसे ही सेक भी होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, वैसे ही कॉट भी होता है, ये देखेंगे। इसके बाद आपका इनवर्स कुछ हुआ है, फिर ये बच रहेगा हमारा साइन इनवर्स 1/x, इसको डील करेंगे, रेसिप्रोकल वाला, फिर सम वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, टैन के साथ साइन के साथ सब डील करते हैं। फिलहाल इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, और तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। व्हाट्सएप पे भेजा ना,
हाँ सर, हाँ सर, ओके ठीक है, मोबाइल दूसरा मोबाइल है। डब्ल्यू भी यही में आया था। हाँ हाँ ठीक है, एक्स अप्रोचिंग जीरो। एक्सपेंशन किया आपने? एक्सपेंशन तो सर बहुत बड़ा हो जाता है ना, मतलब एक्स माइनस अच्छा, ऐसा कुछ थ्री सर, नहीं है, कुछ बड़ा नहीं हो रहा एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन का मतलब साफ साफ सिग्नल दिख रहा है, ई पे पावर एक्स, फिर माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो। तो मैंने क्या किया, ई पी पावर एक्स को एक्सपेंड कर दिया, वो क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने बोला था ई पी पावर एक्स आपको पूरा याद रखना है, माइनस वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, इतना ही माइनस करना है। तो जो बच जाएगा वो क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा एक्स क्यूब बाई सिक्स और नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो। तो यहां पे सिर्फ रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो एक्स बाई सिक्स। अब एक्स को जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो बाई सिक्स आंसर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, आंसर फुल मार्क्स मिल जाते हैं आपको इसमें। सर तो साइन भी था, हाँ अटक तो साइन भी, अच्छा अच्छा तो वो साइंस तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, साइन यहाँ रहने दो, साइन के अंदर तो लिमिट घुस ही जाता है भाई। सर एंगल भी चला जाता है लिमिट, जी हाँ, उधर हमने कहाँ पे नहीं किया था याद करो, बॉक्स के अंदर सिर्फ मना किया मैंने, बॉक्स के अंदर बस नहीं था और हर जगह जा रहा है, बॉक्स अपना बक्सा बंद करके रखता है, ताला लगा देता है, इसलिए वो जाने नहीं देता है, और कहीं भी जा सकता है। तो फिर तो आसान हो गया ना, साइन जीरो जीरो बन गया, ठीक है काम खत्म। हाँ जीरो जीरो सर, जीरो तो सर ऑप्शन में नहीं है। अच्छा एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो ऑप्शन सी। मैं चंपक देख ध्यान से, एग्जिस्ट एंड इक्वल जीरो लिखा हुआ है, कैसे देखते हो भाई? हाँ सर वो शायद ऑप्शन सर भूल गया सर, मैं तो अभी मतलब मतलब स्क्रीन देख रहा हूँ। हाँ अच्छा, फिर डाउट करने की आदत रहती है हमेशा ना बच्चों की। चलो ओके ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे विराम देते हैं, आज जो पढ़ाया उसको ध्यान से रिवीजन कर लेना, इनवर्स से कुछ क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ वो कर लेना, ठीक है ओके, नहीं तो फिर इनवर्स फिर भारी ही लगेगा। हाँ सर, हाँ सर, सर पहले सर पूरा कर लूंगा सर। हाँ और बाकी लोगों को समझ नहीं आता है क्या, बात किया किसी से? हाँ सर। तो क्या बोलते हैं वो उनका बायो भी है क्या साथ में, तुम्हारा भी बायो है? नहीं नहीं सर, मैं बायो नहीं लिया सर, बायो लूंगा तो फिर मतलब दो तरफ से शायद होता नहीं है, मतलब मुश्किल हो जाता है। शायद नहीं होता है, तुम की मास्टर मतलब रैंक वन थोड़ी ना ला सकते हो अभी मैथ्स में, पीसीबी में जो रैंक वन ला सकता है, जो मैक्सिमम मार्क्स ला सकता है उसको भी सब लेना चाहिए। यहाँ वो हम बायो मैथ तक 100% कर सकते हैं तो एक और ले लेते हैं, यहाँ लोग डाउट वाले लेते हैं बायो और मैथ दोनों, इधर नहीं हुआ तो उधर कर लेंगे और उनका कहीं नहीं होता है। हाँ मतलब एक एक दो एक्सेप्शन हो जाए तो बात अलग है। सर हम लोग के सर एक लड़का था सर, उसका हो गया था, उसका मेडिकल भी निकल गया था, उसका मेडिकल में भी अराउंड 2000 रैंक आ गया था नीट में, और जेई एडवांस में भी उसका 500 रैंक था ऑल इंडिया में, तो स्कूल में हम लोग। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो वो वाले बच्चे होते हैं जो बहुत पहले से ही वो ध्यान दे रहे हैं उनका बात अलग है, अब वो बायो के साथ एक और ले लेंगे तो उनका वो भी निकल जाएगा। सर मेरे लेकिन तो इसलिए मैं नहीं लिया, समझ के बाहर गए। अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। अब वो लिया, वो 500 रैंकर है, वो ले लिया ठीक है, उसको सूट करता है, और हमारा मुश्किल से जेई मेन क्लियर होता है, तो हम फिर बायो भी एक सब्जेक्ट हेडेक ले लें, बोले कि इसमें भी नहीं होगा
एक को करने का कंप्लीट प्रयास करना चाहिए, फुल शक्ति के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ। तो वो नहीं करते बच्चे, क्या करते हैं, एक और सब्जेक्ट ले लेंगे, डाउट करते हैं कि वो नहीं हो तो वो हो जाएगा, कोई नहीं होगा भाई तुम्हारा। तो बाकी जो लोग हैं उन्होंने क्या, उनका बायो नहीं है ना, कि बस वो बायो मैथ दोनों कर रहे हैं, पता है तुम्हें कुछ तो बायो भी है वो, तो मतलब बायो में मतलब दोनों वो सारा ही क्लास करती है। सारा ही क्लास अच्छा करती है ना। और जो है वो लोग जैसे और किससे बात होती है, एक है, एक तो तुम्हारा ही दोस्त है ना स्कूल का, हाँ उसका सिर्फ मैथ है, और एक एक न्यू स्टूडेंट है, उसका पता नहीं मेरे को, उससे बात नहीं उसका हुई। थैंक पता नहीं, उसे बात नहीं। चलो ठीक है, ओके यू सर। ओके, थैंक यू।